हाय फ्रेंड्स, सबको मैं आप सबको सदा क्लासेज में स्वागत है। शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए बस शीशा तलाश कर। अगर मिल जाए मंजिल तो मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 13 से 16 तक का सोल्यूशन करेंगे। पिछले क्लासों में हमने 8 से 12 तक का क्वेश्चन का सोल्यूशन किया था। आज 13 से 16 तक का सोल्यूशन करेंगे, जिसमें डीवाई बाई डीएक्स निकालना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है वाई के पावर एक्स बराबर एक्स के पावर वाई। जब पावर का पावर होता है तो मैंने आपकी शुरुआत क्लास से ही बताया है कि लॉग लेना है ना। तो दोनों तरफ लॉग लेने पर तो लॉग वाई का पावर एक्स बराबर लॉग एक्स का पावर वाई। लॉग का खासियत है कि वो पावर को साइड में कर देता है, तो एक साइड में हो जाएगा एक्स इंटू लॉग वाई और वाई इंटू लॉग एक्स। इसके बाद अवकलन लगाएंगे, अवकलन यहाँ पे भी यू इंटू बी और यहाँ पे भी यू इंटू बी, दोनों तरफ एक ही फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा। एक तरफ लॉग वाई साइड में डीएक्स बाई डीएक्स, फिर x साइड में d log y बटा में यहाँ एंगल y है तो dy, फिर इनटू dy बाय dx, फिर बराबर कुछ साइड log x साइड में dy बाय dx, फिर प्लस y साइड में d log x बटा में dx। dx dx इक्वल है, कट जाएगा, बचेगा log y बराबर x। log y का होता है 1 बटा y dy बाय dx, log x dy by dx, y और इसका 1 बटा x। अब जिसमें dy by dx उसको एक तरफ करते हैं, यहाँ हो गया x बटा y dy by dx और log x dy by dx इधर आएगा तो माइनस log x dy by dx, इधर बचा y बटा x और ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में log y। इन दोनों में dy by dx उभयनिष्ठ है, जिसको कॉमन कहते हैं, कॉमन ले लेंगे तो dy by dx को कॉमन लिया तो यहाँ बचा इनटू में x बटा y माइनस log x और इधर हो गया y बटा x माइनस log y। हमको dy by dx निकालना है, इसलिए dy by dx इक्वल टू यहाँ LCM ले लीजिए y माइनस x log y बटा में x और ये भाग में आएगा, यहाँ भी LCM हो गया x माइनस y log x बटा में y। तो dy by dx इक्वल टू पलट जाएगा y माइनस x log y और ये वाला y यहाँ आ जाएगा और x जो ऊपर था यहाँ आ जाएगा x into x माइनस y log x। ये 13 का आंसर होगा। अब दोस्तों 14 क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें लिखा है cos x के पावर y बराबर cos y के पावर x। इसमें भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसमें भी log लेंगे है ना, दोनों तरफ log लेने पर तो log cos x का पावर y बराबर log cos y का पावर x। लॉग का खासियत होता है कि पावर को साइड में करता है, तो y इंटू लॉग कॉस x और यहाँ x इंटू लॉग कॉस y। इसके बाद अवकलन करेंगे u इंटू v पर, इसका हम फॉर्मूला पहले बता चुके हैं, लॉग कॉस x साइड में होगा, इसका होगा dy by dx, फिर प्लस y साइड में d log cos x। यहाँ एंगल देखिए, लॉग का एंगल cos x है तो यहाँ लिखना होगा d cos x और फिर इंटू d cos x बटा में dx। ये बाएं साइड का बन गया, दाएं साइड देखिए, log cos y को पहले साइड में लिखते हैं log cos y और इसका डिफरेंशिएशन होगा तो dx by dx प्लस एक साइड में d log cos y, इसका एंगल cos y है तो नीचे लिखना होगा cos y, फिर यहाँ d cos y, इसका एंगल y आ गया तो नीचे y लिखना होगा, फिर dy by dx। ठीक है, log cos x dy by dx, यहाँ पे देखिए log x का फॉर्मूला 1 बटा x है तो यहाँ x ना होके cos x है उसके जगह पर, तो 1 बटा cos x
और cos x का होता है माइनस sin x। मैंने आपको बताया था एक ट्रिक कि जिसमें c लगा हो उसका डिफरेंशिएशन माइनस में होता है। log cos y यहाँ dx dx कट जाएगा प्लस x log का 1 बटा cos y और यहाँ cos y का माइनस साइन। देखिए यहाँ c आ गया तो माइनस साइन y dy by dx, ठीक है। log cos x dy by dx प्लस माइनस माइनस साइन बटा cos tan होता है तो y tan x, ठीक है। log cos y प्लस माइनस माइनस साइन बटा cos tan होता है tan y dy by dx। हमको dy by dx निकालना है तो हमें dy by dx को एक तरफ और जिसमें dy by dx नहीं है उसको एक तरफ करना होगा। तो देखिए यहाँ पे log cos x dy by dx, अब ये माइनस में है इधर आ गया तो प्लस tan y dy by dx। यहाँ से log cos y हो गया और माइनस में है इधर आएगा तो प्लस y tan x। अभी इन दोनों में देख रहे हैं तो dy by dx कॉमन है, कॉमन ले लिया dy by dx, तो यहाँ बचा log cos x और प्लस tan y और इधर हो गया log cos y प्लस y tan x। अब ये यहाँ मल्टीपल में इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा इसलिए dy by dx इक्वल टू log cos y ये वाला लिख रहे हैं प्लस y tan x, इसके डिवाइड में होगा log cos x प्लस tan y, ये आंसर हुआ, ठीक है। इसमें देखिए 15 क्वेश्चन में लिखा है कि x y बराबर e x माइनस y, ठीक है। तो log लेते हैं, log लेने पर तो log x into y इधर जाएगा log e x माइनस y। log का नियम है कि अगर इनटू में तो उसको प्लस में लिख दिया जाता है तो log x प्लस log y, और पावर हो तो पावर को log साइड में कर देता है x माइनस y इनटू log e। हम क्योंकि सूत्र होता है कि log e जहां भी हो यानी यहां भी छुपा रहता है, अगर बेस और इनटू बराबर हो तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो log x प्लस log y आगे हम यहाँ पे 1 भरेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा x माइनस y। अवकलन करते हैं तो अवकलन होगा d log x बटा में dx प्लस d log y बटा में dy इनटू dy by dx और इधर हुआ dx by dx माइनस dy by dx। log x का 1 बटा x, log y का 1 बटा y, dy by dx 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 कट गया माइनस dy by dx। अब dy by dx को एक तरफ करते हैं 1 बटा y dy by dx प्लस dy by dx 1 इधर जाएगा तो माइनस 1 बटा x। dy by dx को कॉमन लिया तो 1 बटा y प्लस 1, इधर एलसीएम लिए तो x माइनस 1 बटा x, यहां भी एलसीएम लेंगे dy by dx x माइनस 1 बटा x उधर जाएगा तो पलट जाएगा तो dy by dx बराबर x माइनस 1 बटा x गुना y ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा 1 प्लस y, इसलिए dy by dx इक्वल टू जो होगा y इंटू x माइनस 1 इंटू x इंटू 1 प्लस y, ये जो हुआ 15 सवाल का आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 16 में जो है fx बराबर लिखा है 1 प्लस x, 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x के पावर 4 और 1 प्लस x के पावर 8, ये सब इनटू में है और fx नाम से है। एक इसका डैश लिखा हुआ है f डैश 1 निकालना है, डैश का मतलब होता है एक बार डिफरेंशिएशन। इस क्वेश्चन को हम y मान लेते हैं, y बराबर 1 प्लस x, 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x का पावर 4 प्लस 1 प्लस x का पावर 8। log लेने पर दोनों तरफ है ना, log लेने पर log y और ये सब इनटू में है तो प्लस में हो जाएगा log 1 plus x plus log 1 plus x square plus log 1 plus x के पावर 4 plus log 1 plus x का पावर 8। अवकलन
डी लॉग वाई, यहाँ पे वाई एक ही है तो नीचे वाई लिखना होगा इसके बेस में, डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ पे डी लॉग वन प्लस एक्स बटा में डी वन प्लस एक्स इंटू डी वन प्लस एक्स बटा में डी एक्स, फिर प्लस डी लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर बटा में डी वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वन प्लस एक्स स्क्वायर बटा में डी एक्स, फिर प्लस तीसरा वाला डी लॉग वन प्लस एक्स का पावर फोर बटा में डी वन प्लस एक्स का पावर फोर इंटू डी वन प्लस एक्स का पावर फोर बटा में डी एक्स, फिर प्लस डी लॉग वन प्लस एक्स का पावर आठ बटा में डी वन प्लस एक्स का पावर आठ इंटू डी वन प्लस एक्स का पावर आठ बटा में डी एक्स। यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोग को, लॉग वाई क्या होता है, वन बटा वाई डी वाई बाई डी एक्स। देखिए लॉग एक्स का फॉर्मूला वन बटा एक्स, तो वन बटा वन प्लस एक्स, यहाँ वन का जीरो और डी एक्स डी एक्स माना, वन से जब इसका मल्टीपल होगा तो कोई चेंजिंग नहीं, वही रहेगा। फिर यहाँ पे भी वन बटा में वन प्लस एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स का वन बटा एक्स होता है तो एक्स यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया वन का जीरो और एक्स स्क्वायर का क्या होगा टू एक्स, फिर प्लस इसका भी वन बटा में वन प्लस एक्स का पावर फोर और वन का जीरो और इसका पावर साइड में पावर की कमी चार एक्स की, ठीक है। फिर प्लस लॉग एक्स है तो वन बटा वन प्लस एक्स के पावर आठ और एक्स के पावर आठ का होगा पावर साइड में और पावर की कमी आठ एक्स के पावर साथ, डिवाइड बाय डी एक्स, वाई इधर चला आएगा और कोष्ट में हो जाएगा वन बटा में वन प्लस एक्स टू एक्स बटा में वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स क्यूब बटा में वन प्लस एक्स का पावर फोर प्लस आठ एक्स का पावर सेवन बटा में वन प्लस एक्स का पावर आठ। अब यहां से वाई यानी कि क्वेश्चन, इसलिए हम लिख सकते हैं और एक बार डिफरेंशिएशन को डीवाई बाई डी एक्स कहते हैं या उसको एफ डैश कहते हैं, सेम टू सेम है, यानी कि हम डीवाई बाई डी एक्स को ये भी लिख सकते हैं एफ डैश एक्स, कोई चेंजिंग नहीं है, इसका और इसका सेम मानी है। वाई यानी कि क्वेश्चन, वन प्लस एक्स, वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स का पावर चार, वन प्लस एक्स का पावर आठ, वाई का मान रख दिए। अब ये बगल में जो इंटू में है उसको लिख देते हैं, वन बटा में वन प्लस एक्स, वन टू एक्स बटा में वन प्लस एक्स स्क्वायर, चार एक्स क्यूब बटा में वन प्लस एक्स का पावर फोर, आठ एक्स का पावर सात बटा में वन प्लस एक्स का पावर आठ, ये तो इसका डिफरेंशिएशन का आंसर होगा। अब इसी क्वेश्चन में जो है बोला है कि f डैश वन निकालिए, वन कहाँ रखा गया है, जहां x था वहां वन पुट कर दिया गया है, यानी कि अब हम क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां वन पुट करेंगे, तो वन प्लस वन, वन प्लस वन का स्क्वायर, वन प्लस वन का पावर फोर, वन प्लस वन का पावर आठ, और यहाँ पे वन बटा में वन प्लस वन, टू गुना वन बटा में वन प्लस वन का स्क्वायर, चार गुने वन का पावर थ्री बटा में वन प्लस वन का पावर फोर प्लस आठ गुने वन का पावर सेवन बटा में वन प्लस वन का पावर आठ, एक एक दो गुना एक का स्क्वायर एक, एक का पावर कुछ भी हो एक ही वैल्यू होता है, एक एक दो, फिर मल्टीपल एक एक दो, फिर एक एक दो। अब क्वेश्चन के अंदर एक बटा में दो प्लस दो बटा में एक का स्क्वायर एक ही होगा तो दो, प्लस चार बटा में दो प्लस आठ बटा में दो, दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह गुना, यहाँ पे एलसीएम जो होगा दो होगा, तो वन प्लस दो प्लस चार प्लस आठ, आठ चार बारह दो चौदह एक पंद्रह, सोलह गुने पंद्रह बटा दो, दो आठ दो से सोलह जो है आठ बार रुपये पंद्रह आठ एक सौ बीस, ये एफ डैश का आंसर, एफ डैश वन का आंसर आ गया एक सौ बीस, ये सोलह का आंसर हुआ। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप सबको सोलह तक का क्वेश्चन क्लियरली रूप से समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट्स में बताइएगा और चैनल को मेरा सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है।